दोस्तों हमने सबसे पहले ये 1 इंची बाई 3 इंची के 2 टुकड़े ले लिए हैं शीशम की लकड़ी के, ठीक है। अब हम इसको कच्चा चिपकाएंगे, मतलब इस पर हमारे पास डबल टेप नहीं, तो हम इस पर मास्किंग टेप लगाकर और उस पर थोड़ा सा बिटरा डाल के इसको एक दूसरे से चिपका देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। दोस्तों मेरे पास ये 20 mm चौड़ी ब्लेड है और इसी ब्लेड के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। दोस्तों इसमें बिल्कुल उसी तरीके से मार्किंग होगी जैसे हम बड़े रंधे में करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें टेपर रखें तो ये 45 या 46 डिग्री टेपर में ये बिल्कुल सही आ जाएगा। दोस्तों इसमें पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इन दोनों टुकड़ों को अलग कर लेंगे और जो हमने मार्किंग की है वही मार्किंग हम इसके बीच वाले हिस्से में भी उतार लेंगे, जिस पे हम आरी से कट लगाकर इसको तैयार करेंगे। दोस्तों इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आराम से और बहुत ही सफाई से हमें ये काम करना है, जिससे कि हमारी ये छोटी सी रंधिया जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। दोस्तों छेनी चौरसी में जितनी अच्छी धार लगी होगी उतनी ही सफाई से हमारी ये रंधिया बनेगी। दोस्तों ये एक साइड का टुकड़ा हमारा तैयार हो गया है और अब हम बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ का भी टुकड़ा तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये दोनों टुकड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इन दोनों को मिला के देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है या नहीं। अब जो भी फ़र्क होगा हम अब इसको मिला के देखने के बाद इसको सही कर लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा है लकड़ी, हम इस लकड़ी को अब चौरसी से छांट लेंगे। ये दोस्तों मैंने बिल्कुल सही करके छांट दिया है इसको, ठीक है। अब हम इस रंधिया को अपनी जोड़ देंगे।
बढ़िया करके एकदम फेविकोल लगा के मजबूती से जोड़ना है दोस्तों इसको। दोस्तों ये एक शिकंजी लगाने से बीच में तो दब रही है लेकिन सिरे खुल रहे हैं, तो अब मैं इसमें से बीच में से शिकंजी हटा के इसमें दो शिकंजी का इस्तेमाल करके इसको बाहर की तरफ से यानी दोनों सिरे इसके दबाऊंगा, जिससे पूरी रंधिया हमारी ये बिल्कुल सही चिपकेगी। दोस्तों अब इसको सूखने देते हैं, बाकी काम हम इसमें कल करेंगे। दोस्तों ये अच्छे से चिपक गए हैं दोनों टुकड़े, अब हम इसमें थोड़ा सा रंधा मार के इसको साफ कर लेंगे। दोस्तों रंधा लगाकर मैंने इस रंधिया को बिल्कुल साफ कर लिया है, अब इसमें ऊपर की तरफ से हम इसका ये थोड़ा सा मुंह बढ़ाएंगे जिसमें लकड़ी का छीलन यानी रंधा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमें बिल्कुल उसी जैसे हम बड़ा रंधा बनाते हैं उसी तरीके से हम इसका इस तरीके से मुंह खोलेंगे इसमें। दोस्तों इस रंधिया का मुंह बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी आगे की टक्कर जो है उसको राइट एंगल में करके एकदम गुनिया करके चौरस कर लेंगे टक्कर इसकी। और पीछे की तरफ से हमें ये थोड़ा सा स्लोप करना है जैसे हम अपने बड़े रंधे में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं अपनी ये डिस्क सैंडिंग मशीन से करूँगा जो मैंने बनाई थी। दोस्तों इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये रंधिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसकी टाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसी शीशम की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। दोस्तों ये ब्लेड इसकी डार्ट से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको इसकी डार्ट के बराबर काट देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। दोस्तों
तो हमने जो 1/8 की विड्थ से इसमें 2 छेद किए थे, अब उसमें हम गुज लगाकर इन छेदों को बंद कर देंगे। दोस्तों अब हम इसको रेगमाल से रगड़कर इसको और भी अच्छे से फिनिश कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया है, जिसकी वजह से रंधिया हमारी और भी अच्छी लग रही है और इससे जो है इसका कलर डार्क होने की वजह से इसमें और खूबसूरती आ गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रंधिया लग रही है और छोटी सी रंधिया है, इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों ये छोटी सी रंधिया अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि ये छोटी सी रंधिया आप भी बनाएंगे या नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।